मेरे पास इस वक्त क्वांटम बैंड है, ब्रह्मांश नाम की एक कंपनी है जो इंडियन है। मैं कुछ समय से इसे यूज कर रहा हूं। मेरा रिव्यू इसको लेकर के काफी मिक्स्ड है। सबसे पहले तो बताता हूं कि ये क्या है और कैसे काम करता है, कितना फायदेमंद है। 25,000 रुपए तक, मतलब दो इसके वेरिएंट आते हैं, एक डुअल चैनल और एक मोनो। मेरे पास मोनो वाला है जिसे आप ऐप से कनेक्ट नहीं कर सकते, ये स्टैंड अलोन डिवाइस है। आप इसे यूएसबी टाइप सी से चार्ज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी क्या क्या क्लेम करती है, क्योंकि दिस इज नॉट अ मेडिकेटेड डिवाइस। तो आप इसे एज अ मेडिसिन या फिर एज अ थेरेपी डिवाइस यूज नहीं कर सकते। इसे आप लाइफस्टाइल डिवाइस कह सकते हैं, जो बेसिकली आपके स्ट्रेस या फिर सर दर्द या फिर एंजाइटी, इन सब चीज़ों को कम करने का काम करता है। कंपनी ऐसा दावा करती है। तो कंपनी क्लेम करती है कि ये जो डिवाइस है, इसे आप पहन करके 10-15 मिनट ऑन करके रख सकते हैं। तो एक सेशन, थेरेपी सेशन जैसे हो सकता है, आप उस तरीके से इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी क्या क्या दावे करती है, बिकॉज दिस इज नॉट, अगेन आई एम सेइंग दिस, कि दिस इज नॉट अ मेडिकेटेड डिवाइस, तो आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते। बट कंपनी का कहना है कि ये साइंटिफिक रिसर्च से प्रूव्ड है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। क्योंकि सबसे पहले जब इस तरह की डिवाइसेस देखने को मिलते हैं, तो आपके मन में यही सवाल आता है कि इसे आप जैसे आप लगाते हैं तो उसके बाद एक वाइब्रेशन सी फील होती है, और इसके साथ जो कनेक्टर दिया हुआ है, रिमोट कह सकते हैं, आप इसे अलग अलग मोड में चेंज कर सकते हैं। तो मोड चेंज करने में आपको ज़्यादा फर्क तो फील नहीं होगा, बट वाइब्रेशंस थोड़े कम ज़्यादा होते रहते हैं, और 10-20 मिनट के बाद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू फील वेरी लाइट। मतलब सर दर्द थोड़ा कम तो ज़रूर होता है, बट आई डोंट नो लॉन्ग टर्म पे इसकी आदत लगती है या नहीं, वो येट टू बी टेस्टेड है। बट ब्रह्मांश नाम की कंपनी है, वो कहती है कि ये जो क्वांटम बैंड है, ये बेसिकली साइंटिफिकली बैग नॉन इन्वेसिव ब्रेन स्टेमुलेशन यानी NIBS टेक्निक पे काम करती है, और ये इनका कंपनी का अपना पेटेंटेड फॉर्मूला है, इसे पेटेंट कराया है। इसके जो लो फ्रीक्वेंसी वेव है, बेसिकली आपके जो डोपामिन है और सेरोटोनिन है, उनको रिलीज करने में हेल्प करते हैं। तो आपको पता होगा कि डोपामिन, सेरोटोनिन, इनको हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है। इनके रिलीज होने से आप ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। तो ये भी काम ये डिवाइस करता है, और इसे पहनना काफ़ी इजी है। आप इसे सामने से ऐसे करके अटैच कर सकते हैं, अपने सर में ऐसे लगा सकते हैं, एंड देन थोड़ा सा इस उसके ऊपर आप पीछे से फ्लैप को ओपन खींच करके आप ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं, और इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं पूरा जो इसका मैकेनिज्म है। इसमें एक ऑन ऑफ बटन है, इससे आप ऑन कर सकते हैं, एंड देन एक यहाँ लाइट जलती है, और टाइप सी यहाँ पर पोर्ट दिया गया है, और साथ ही तीन बटन हैं जिससे आप बीच में पॉज कर सकते हैं और बैक और फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे अलग अलग मोड आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। ओवरऑल मतलब मैंने जब तक यूज़ किया, तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक बार यूज़ करने पे तुरंत पता चलेगा, कि कंपनी का कहना है कि आप लगातार कुछ समय तक यूज़ करते रहें, आधे आधे घंटे, एक एक घंटे बीच में। कंपनी रिकमेंड करती है कि आप ऑफिस में लगा सकते हैं, घर पे लगा सकते हैं, इनफैक्ट सोते हुए भी लगा सकते हैं। बट आई डोंट नो, सोते हुए लगाएंगे तो इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल वाइल स्लीपिंग। प्लस इसकी बिल्ड क्वालिटी से मुझे प्रॉब्लम है। आई मीन 25,000 का डिवाइस है, बट बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी क्लमजी सी लगती है। इसकी तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, अंदर की तरफ काफ़ी जो पैड है इसका दिया हुआ, वो काफ़ी कंफर्टेबल है। मतलब आप लगाएंगे तो ज़्यादा आपको एनोइंग फील नहीं होगा, बट स्वेटिंग होगी अगर आप बाहर लगा करके घूम रहे हैं। लाइक नाउ मैं बाहर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसे पहन रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्वेटिंग होती है और यहाँ पर फील भी होता है। आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिख जाती है जिसमें लाइट जल रहा होता है, और यहाँ पर इनकी ब्रांडिंग है, और ये सब कुछ जो सिस्टम है। मुझे एक्सपेक्टेशन था कि इसे और भी बेटर बिल्ड क्वालिटी के साथ आना चाहिए था, बट एट द एंड ऑफ द डे ये काफ़ी, इस तरह की प्रोडक्ट्स इंडिया में या फिर दूसरे कंट्रीज़ में भी, माइंडटेक प्रोडक्ट काफ़ी कम है, और इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। रिसेंटली मैंने एक इवॉल्व का रिव्यू किया था, जो इसी तरीके का डिवाइस था, बट उसमें कोई वाइब्रेशन फील नहीं होती थी। उससे ज़्यादा बेटर मुझे ये लगता है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत तो काम करता हुआ दिखता है, वो ज़्यादा काम भी करता हुआ नहीं दिखता है। प्लस उसमें आपको सब्सक्रिप्शन भी देना पड़ता है, बट कंपैरिजन दोनों का नहीं है, वो एक ऑल टुगेदर अलग डिवाइस है, ये एक अलग डिवाइस है। आप बताएं कि इस तरह के डिवाइसेस आपको कैसे लगते हैं, क्योंकि बहुत अर्ली हैं इंडिया में और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हैं, बट ये फुल फ्लेज्ड प्रोडक्ट है। कंपनी की वेबसाइट पे ये मिलता है, अवेलेबल है, शिपिंग ऑल ओवर इंडिया कंपनी करती है। कई लोगों ने ऐसा बोला कि हो सकता है कि इसे पहनने के बाद सर दर्द ठीक करने के लिए इसकी आदत पड़ जाए, यानी एडिक्शन हो जाए, इसके बिना आपका सर दर्द ही ठीक नहीं होगा, ऐसा लोगों का एक परसेप्शन है। आप क्या सोचते हैं, आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएँ।